एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। क्वेश्चन सॉल्व करते करते सॉल्व अलॉन्ग सीरीज़ में अब हम आ पहुँचे हैं अपने सेकेंड यूनिट के एंडिंग की तरफ। सेकेंड यूनिट यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, और अब हम उसका सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट सेट। इनकेस आपसे कोई भी सेट मिस हुआ है, कोई भी चैप्टर मिस हुआ है, आप वीडियोस में जा सकते हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं, सॉल्व अलॉन्ग बायोलॉजी की एक अलग ही लिस्ट है, उसमें भी उन चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट ना हो, जिसकी वजह से हार्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेस या फिर स्टैटिन्स। अगर हम बात कर रहे हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस मेक श्योर करती है कि ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो डिलेड हो या नहीं हो ब्लड वेसल्स में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल टू ऑब्टेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, एसिटोबैक्टर एसिटाए, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम या फिर एस्परजिलस नाइगर। अगर हम बात करें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की तो वो हमको मिलते हैं क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम से। ये हेल्प करता है हमको टू ऑब्टेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, एंड हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज इररिलेवेंट फॉर माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? एक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ ग्रीन प्लांट, जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो इररिलेवेंट यानी कि कौन से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता या पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं करता। एब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, येस माइक्रोराइजा में होता है। इंक्रीज इम्यूनिटी, येस अगेन। फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन, नहीं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सैलिनिटी एंड ड्रॉट, येस। फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम है, माइक्रोराइजा का नहीं, एंड हेंस ऑप्शन सी यानी कि फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इररिलेवेंट है माइक्रोराइजा के लिए, और इसलिए ये है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द ऑड सेंटेंस आउट। हमें नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से गलत स्टेटमेंट पहचानना है। ए, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ब्राज़ील, यस इथेनॉल ब्राज़ील में फ्यूल की तरह यूज किया जाने लगा है। टॉडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाम ट्री इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम बात करें हैं टॉडी की, टॉडी इज नथिंग बट पाम वाइन, पाम ट्री से बनती है, लेकिन ये नॉर्थ नहीं, ये साउथ इंडिया में बनती है। सो बी ऑप्शन जो है ये आपका फॉल्स है, तो ये हो सकता है आपका ऑड मैन आउट, लेकिन हम ऑप्शन सी और सी डी को भी एक बार देखेंगे। ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू प्रिपेयर एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ऑप्शन सी भी आपका सही है। पेनिसिलिन इज प्रिपेयर फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे सिर्फ एक और सेंटेंस जो है वो है ऑप्शन बी कि टॉडी इज प्रिपेयर फ्रॉम पाम ट्री इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन ये गलत है क्योंकि वो साउथ इंडिया में होता है। सो हेंस जो ऑड है इन सब में वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, इन प्रोडक्शन ऑफ विच कार्बोनिक एसिड एस्परगिलस नाइगर इज यूजफुल, यानी कि कौन से कार्बोनिक एसिड के प्रोडक्शन में एस्परगिलस नाइगर का यूज होता है? सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड या पामिटिक एसिड। अगर मैं बात करूँ एस्परगिलस नाइगर की, वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है सिट्रिक एसिड की। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज रिलेटेड विद स्टेरॉइड्स, यानी स्टेरॉइड से कौन रिलेटेड है? सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर पामिटिक एसिड। जब बात आती है स्टेरॉइड्स की तो उनसे सिर्फ एसिटिक एसिड रिलेट करता है इन चारों में से, यानी कि एसिटिक एसिड का रिलेशन है स्टेरॉइड से, एंड हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑप्शन इज रिलेटेड विद द यूटिलिटी ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड की कौन सी ऑप्शन है जो कि उससे रिलेट करता है? इन फर्मेंटेशन टू प्रिपेयर पिकल, येस। यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, येस। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ विटामिन B12, येस। लैक्टिक एसिड की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी है यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई है, लैक्टिक एसिड इट इज़। लैक्टिक एसिड जो है ये आपकी फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, पिकल बनाने में हेल्प करता है,
कर्ड फ्रॉम मिल्क भी यही बनाते हैं, इवन क्वालिटी जो है विटामिन B12 की वो ये इंक्रीज और या फिर इम्प्रूव करता है। सो ऑप्शन डी जहाँ पे दिया गया है कि ऑल ऑफ द गिवन, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज़ यूजफुल एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की, वो उसको कभी कभी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने शुरू कर देती है। सो उसको सप्रेस करने के लिए कोई एजेंट दिया जाता है, तो वो कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन सी, साइक्लोस्पोरिन एल, साइक्लोस्पोरिन ए या ऑल ऑफ द गिवन। अगर हम बात करें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की, तो वो है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इसीलिए दिया जाता है कि कोई भी आपकी बॉडी कोई हार्मफुल रिस्पॉन्स ना दे जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ टू बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज़। स्विस चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होल्स होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ चीज़, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया हमको हेल्प करता है? मोनास्कस पप्यूरिस, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस या फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर हम बात करें स्विस चीज़ की, तो हमें हेल्प करता है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, इसके थ्रू हमको स्विस चीज़ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रोराइजा मीन्स, मैं पहले भी अभी एक क्वेश्चन हुआ था तो उसमें बता चुकी हूँ कि माइक्रोराइजा का कॉम्बिनेशन होता है फंगस एंड प्लांट्स का। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। ये कुछ 40 क्वेश्चन से लगभग माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के। अब हम नेक्स्ट जो अपना यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्टडिंग, वर्क हार्डर नाउ, टाइम कम रह गया है लेकिन आपकी उम्मीदें ज़्यादा होनी चाहिए, कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।